हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा ऑल इन वन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक डबल कलर में स्वेटर डिजाइन लाई हूँ। ये मैंने हाफ जैकेट बना रखी है बची हुई ऊन से। ये थोड़ा मेरा ये वाला धागा बचा हुआ था तो मैंने इसका ये बॉर्डर और इसका ये बटन पट्टी बना ली। बाकी ये दो कलर भी बचे हुए में से बनाए मैंने। देखिए बहुत अच्छा डिजाइन है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक में, किसी भी उसमें सभी में अच्छा लगता है। ये मैंने हाफ जैकेट बना रखी है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखाती हूँ। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। जितने भी आपके फंदे हैं आप 18 के मल्टीपल में डालिए। मैंने इसमें मेरे टोटल 30 फंदे हैं। अब मैं आपको डिजाइन बना डाल के दिखाती हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये यहाँ पे ये दो फंदों का एक उल्टा में करेंगे हम धागे से। सिलाई सामने की तरफ डालते हैं, दो का ये, फिर दो का ये, फिर दो का ये। यहाँ पे 6 फंदों का हमने दो का ये करना है। फिर धागा पीछे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करते हुए एक, फिर धागा आगे दो, फिर धागा आगे तीन, फिर धागा आगे चार, धागा आगे पाँच, धागा आगे और 6। यहाँ पे हमको टोटल 6 जालियाँ बनानी है। देखिए ये मैंने तीन यहाँ पे तीन है, ये 1 2 3 यहाँ पे 6 फंदों का मैंने 3 का एक 2 का एक करा, फिर ये एक फंदा सीधा बुना, ये 1 2 और ये 3 4 5 ये 6 फंदे हो गए जिसमें हमने 6 जालियाँ बना दी। यहाँ पे 6 फंदे बढ़ गए हमारे। अब यहाँ पे हमको घटाने हैं तो हम यहाँ पे ये वहीं पे बढ़ते हैं, वहीं पे घटते हैं। ये 2 का एक करेंगे, यहाँ पे 2 का एक, एक ये 2, 2 का ये 2 बार बना दिए हमने, 2 गांठ बन गए, 3, ये 2 फंदों का एक करना है, 4 5 और ये 6। यहाँ पे 6 गांठ बन गई हमारी। 6 फंदे हमने वहाँ पे बढ़ाए, यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाए जाली से, तो यहाँ पे 6 फंदे हमने घटा भी दिए हैं। अब हमने यहाँ पे 3 का एक करा था, 3 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए, तो हमें यहाँ पे जाली डाल के यहाँ पे बढ़ाएंगे अभी फंदों को। यहाँ पे 6 गांठ बन गए, यहाँ पे ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, फिर 1 2 3 यहाँ पे 3 जाली बन गई। 3 हमारे साइड में कम हुए थे तो इस साइड हमारे बढ़ गए हैं। और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। ये सारे फंदे हम जाली वाले फंदे भी वो फंदे सारे उल्टे ही बुनेंगे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। इसी सीधी सिलाई पर ये एक सिलाई मैंने उल्टी निकाल दी और ये सिलाई हम पूरी सीधी निकालेंगे। इसमें एक उल्टी एक सीधी निकालते हैं। ये एक सिंपल सा है, 4 सिलाइयों का डिजाइन है, इसमें कुछ नहीं करना हमको ज़्यादा बस। अब ये इस कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये सिलाई बुनने के बाद। एक उल्टी एक सीधी इसमें सादी निकालेंगे। उल्टी जब हम वहाँ से उल्टा होंगे तो वहाँ से दूसरा धागा जोड़ेंगे। तो मैं इसको बुना लेती हूँ। मैंने सीधी सिलाई बुन ली है, अब उल्टी सिलाई में आ गए हम। उल्टी सिलाई से हम ये जैसे मैंने इसमें ब्लैक कलर जोड़ रखा है, ये वाला कलर दूसरा कलर हम लगाएंगे इसमें। आप जो भी कलर से बना रहे हो आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बन सकता है ये। दूसरा कलर हमें हमेशा उल्टी साइड से ही जोड़ेंगे। ये मेरे उल्टी साइड है तो यहाँ से मैं इसको जोड़ूँगी और ये सिलाई पूरी हम उल्टी निकालेंगे यहाँ से। लपेट लेंगे और ये सिलाई पूरी मैं उल्टी उल्टी निकाल लेती हूँ सीधी सिलाई में। पता देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिजाइन दिखने लग गया, ऐसे ही दिखी गई ये जाली जो हमने बनाई। अब मैं सीधे सिलाई में हमको फिर से वैसी डिजाइन डालना है जैसे हमने शुरू से डाला है। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करके यहाँ पे 2 का एक करेंगे,
अब फिर से हम धागे आगे करके दो का एक करेंगे, उल्टा जब हम दो का एक करेंगे तब उल्टी सिलाई में ही करेंगे हमेशा। यहाँ पे फिर से हम दो का एक करेंगे, यहाँ पे तीन बना दिया। अब हम पहला कंधा उतार से बुन लेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर जाली, छह जाली बनानी है हमको यहाँ पे, दो जाली, तीन, चार, ये पांच, धागे आगे करके, और ये छह जाली बना दी हमने, ये छह बना दी। अब हम छह गार्ड बनाएंगे यहाँ पे, ये दो का एक करते हुए धागा आगे करके, ये उल्टे में गांठ हमको हमेशा उल्टी में बनानी है, जाली सीधे में। ये तीन बन गए मेरे, चार, ये पाँच, ये छः, छः बन गए। देखिए यहाँ से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब ये इसको भी मैं यहाँ पे एक गांठ बना दूँगी, तो हमारी टोटल छः हो गई है यहाँ पे। फिर धागा पीछे करते हुए इसको एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली, फिर दो, फिर ये तीन, फिर धागा के लास्ट में भी एक जाली डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे फंदे जितने हैं उतने ही हो जाएंगे, कहीं कम बाकी नहीं होंगे। अब ये उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है इसी कलर से जिसने हमारा डिजाइन डाला है, इसी कलर से हमको बनाना है। ये पूरे मैं उल्टी बना लेती हूँ, फिर सीधी सिलाई, एक मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। अब ये सीधी सिलाई हमको पूरे सीधे ही सीधे बुनने हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पूरे ऐसे ही हम सीधे सीधे बुन लेंगे इसको। इस सिलाई मैं पूरे सीधे सीधे बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बना लिया है, आप इसी तरह बनाते जाइए, ये हमेशा यहाँ से बदला जाएगा। ये मैंने देखिए इस तरह दिखेगा, ये हमारे आधा ही डिजाइन बना हुआ है, तो एक डिजाइन आया मेरा इसमें टोटल कम्प्लीट, यहाँ से यहाँ तक आधा इस साइड आधा से, इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो पूरा डिजाइन बनने के बाद ऐसे आता है। ये देखिए लहरें लहरें से, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, कितने भी बचे हुए धागे हैं, एक डिजाइन इसका एक डिजाइन ऐसे करके अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है हमारा ये डिजाइन। सिर्फ चार सिलाइयों का डिजाइन है और बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।